Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. लोगों के मन में एक जागरूकता रहती है कि नॉन सर्जिकली जो है हम फैट को कैसे हटा सकते हैं और ये कूल स्कल्पटिंग क्या है, क्या कूल स्कल्पटिंग से आप हमारा पेट कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो सर्जिकल नहीं जाना चाहते हैं, नॉन सर्जिकल जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट यही पूछते हैं, सर कूल स्कल्पटिंग और लाइपोसेक्शन में क्या फ़र्क है, उनको ये पता नहीं रहता है। तो इस बारे में मैं दो तीन चीज़ें आपसे बस डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, कूल स्कल्पटिंग जो है ये एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है, लाइपोसक्शन जो एक सर्जिकल टेक्निक है। कूल स्कल्पटिंग में क्या करते हैं, बेसिकली जो होता है इसको क्रायोलाइपोलाइसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इतनी ठंडक प्रोवाइड की जाती है जो कि स्किन को डैमेज नहीं करती, लेकिन जो अंदर की जो फैट सेल्स है उसको डैमेज करती है, फैट सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, जिससे कि फैट सेल्स डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे उस जगह की फैट कम हो जाती है। इसको कई बार मल्टीपल सीटिंग भी देनी पड़ सकती हैं। तो इस कूल स्कल्पटिंग में आप 100% नहीं कह सकते कि आपको रिजल्ट कितना मिलेगा या 100% फैट चली ही जाएगी, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल है, इसलिए लोग कराना भी चाहते हैं कई, क्योंकि लोगों को डर लगता है। लेकिन लाइपोसक्शन जो है, जो सर्जिकल है, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जब लाइपोसक्शन करते हैं कि पूरी चर्बी जितनी हम निकालना चाहते हैं वो एक बार में ही निकाल देते हैं और उसको बॉटल में रख के पेशेंट को भी दिखाते हैं, देखिए आपकी हमने इतनी चर्बी निकाल दी है और आपको जो शेप चाहिए थी वो पूरी की पूरी बन गई जैसी आप बनाना चाहते थे। कूल स्कल्पटिंग ये चीज़ नहीं हो पाएगी। कारण यह है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि 100% वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा आप चाहते हैं। हालांकि इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होता है और इम्प्रूवमेंट होगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ए डेफिनेटिव मेथड कि जो रिजल्ट आप चाहते हो आपको मिलेगा। लाइपोसक्शन में मोर और लेस इट इज़ अ डेफिनेटिव मेथड, जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि ये सर्जिकल है इसलिए लोग थोड़ा डरते हैं, नेचुरल बात है। सर्जरी का नाम ही ऐसा है कि जिससे थोड़ा आदमी भय खाता है, तो आदमी ये कहता है बिना सर्जरी के कुछ काम हो जाए तो ठीक है, तो वो लोग अल्ट्रासाउंड भी ट्राई कर लेते हैं, लोग ये क्रायोलाइपोलाइसिस कूल स्कल्पटिंग भी ट्राई कर लेते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो वो लोग ट्राई करते हैं, दैट्स ओके, क्योंकि ये जो चीज़ें ये एम्पेरिकल हैं, इसका मतलब दे डू हेल्प। कूल स्कल्पटिंग है या आपने हाइफू है, कोई बहुत टेक्निक है, दे डू हेल्प, देयर इज नो डाउट, लेकिन इसको आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कितना आपको हेल्प करेगा। और लाइपोसक्शन सर्जिकल है, बट इसको मोर और लेस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको रिजल्ट कितना आएगा, वो डॉक्टर आपको देख के बताते हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी देखते हैं, आपकी मसल की टोन देखते हैं, फिर फैट देखते हैं कितनी, उस हिसाब से वो आपको एक प्रेडिक्शन देते हैं कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मोर और लेस अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो उतना रिजल्ट आपको दे सकता है। तो ये थोड़े से अंतर हैं दोनों में जो मैंने आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज आती हैं, सर कूल स्कल्पटिंग कर दीजिए, नॉन सर्जिकल टेक्निक कर दीजिए, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो इससे रिलेटेड लेकिन आपके मन में अभी कोई शंका है कूल स्कल्पटिंग वर्सेज लाइपोसक्शन, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।